नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देश पांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफ आयुर्वेद, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। यस, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मेरा खुद का नंबर दिया है। बहुत कम लोग देते हैं, यूट्यूबर्स, कोई नहीं देता। 9226810630, कृपा करके फोन मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए। हम पामिस्ट्री सीख रहे हैं। हम ये पूरे लाइफलाइन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है, हेडलाइन के बारे में की है, और अभी हार्टलाइन की चर्चा चालू हो गई है। पहला एक वीडियो हार्टलाइन के ऊपर है, और ये भी हार्टलाइन, और आखिर आखिर में हम रवि लाइन की भी चर्चा करेंगे। तो ये सब करने के लिए आपको पेशेंट का, व्यक्ति का, जातक, एस्ट्रोलॉजी में और पामिस्ट्री में हम पेशेंट नहीं कहते, हम जातक कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति उसके भविष्य के बारे में एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का द्वारा कुछ ज्ञान लेने का इच्छा प्रकट करता है, उसको जातक बोलते हैं। तो जातक की कुंडली देखी जाती है, जातक का हाथ भी देखा जाता है, जातक जो है उसका एक्टिव हैंड देखना है। और व्हाट इज मीन बाय एक्टिव हैंड? जिस हैंड के द्वारा वो व्यक्ति लिखती है, साइन करती है, खान पान करती है, आदान प्रदान करती है, उसको एक्टिव हैंड बोलना। हाथ देखते समय आपको इस इंस्ट्रूमेंट का फायदा मिल सकता है, लेंस, लेंस का फायदा। और दूसरा, ये पाउडर का डिब्बा जो है वो पाउडर हाथ में डालनी है, थोड़ी सी फैल लेनी है, और उसके द्वारा रेखाएं हो ज्यादा क्लियर हो सकती है। चालू करते हैं आज का विषय, हार्टलाइन बायफर्केशन एट द एंड। यहां पर जब ये यहां से चालू हो गई है हार्ट लाइन और उधर खत्म हो रही है, मैं थोड़ा कर्सर, जो कलर कलरफुल जो कर्सर है ना, वो लेने की कोशिश करता हूं। ये देखिए आ गया, यहां से चल पड़ रही मेरी हार्ट लाइन, और यहां पर दो विभाजित हो गए, शाखा शाखाएं निकल गई। तो इसका मतलब एक शाखा बुध माउंट की तरफ जा रही है, और एक के ऊपर जो नीचे मतलब मंगल की तरफ जा रही है, और ये जो हमारी फेट लाइन है, फॉर्चून लाइन, फेट लाइन, उसके ऊपर कुछ यव साइन है। तो ये सब बातें अच्छे नहीं है उस व्यक्ति के लिए। एक तो पहले उसके जीवन में प्रगति करने में ये यव चिन्ह रुकावट डाल रहा है, ये पहली बात हम समझ गए। और दूसरी बात ऐसी समझ गए, ये जो प्रेम वाला व्यवहार है वो ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहा है। ये बुध हमेशा बिजनेस करवाता है, बुध बुद्धि चलाता है, फिर बुद्धि सिर्फ क्या बोलते हैं ना, मनी ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहता है, इसमें भावना कम हो जाती है। तो जब भावना कम हो जाएगी और यहां पर भी प्रगति करने में निसर्ग, नैसर्गिक फॉर्च्यून, नसीब रेखा में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, तो एक ये तो है ना, ये पूरा का पूरा लाइन हमारी थोड़ी बहुत विवाह से भी कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स द मैरिज लाइंस आर डिफरेंट, विवाह रेशा अलग है। फिलहाल विवाह के लिए ये हार्ट लाइन देखने की भी बहुत ही जरूरत है। शुक्र माउंट देखना जरूरत है, चंद्रमा देखना जरूरत है, सब चीजें देखते हैं। फिलहाल ये डायरेक्ट आपको एक साइन बता दिया कि यव साइन यहां पर, और एक शाखा चल रही है बुध के ऊपर, मतलब ये आइदर हस्बैंड और आइदर वाइफ दे मे बी मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन एंड ओनली बिजनेस टाइप ऑफ द रिलेशनशिप विल बी देयर। आदान प्रदान जो है ना, लेन देन, उसमें भावना कम है और व्यवहार ज्यादा हो गया है, तो इसी के कारण डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और वो घटस्फोटित, घटस्फोट हो सकता है उन व्यक्ति में। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 2। ये देखिए यहां पर आखिर में एंड्स दिस जो हार्ट लाइन है वो खत्म का कैसे हो रही है, लाइक अ ब्रश, हाँ, ऐसे ऐसे धागे धागे निकल आ रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया भैया सावधान, इसके बहुत सारे लव अफेयर्स, प्रेम प्रकरण हो सकते हैं, हो गए, ऐसा आरोप मत कीजिए। आप कभी भी डायग्नोसिस मत करना, आप ऑब्जर्वर हैं, आप सीख रहे हैं, तो सीखने के वक्त ज्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेना। हाथ देखते रहे ना, रिश्तेदारों के हाथ, पड़ोसन के हाथ, जो भी दिखाना चाहते हैं उनका हाथ, कलीग्स के हाथ, हमारे जो सहकारी होते हैं ना ऑफिस और नौकरी धंधे में, उसका हाथ देखना चाहिए, माता पिता का, पति पत्नी का, बच्चों का हाथ देखना चाहिए, रिलेटिव्स का। हा? तो इसके द्वारा ये देखिए, इसका मतलब है बहुत सारी शाखा, प्रेम प्रकरण को बहुत सारे धागे निकल रहे हैं। तो ये एक प्रेम इधर जाएगा, एक प्रेम इधर जाएगा, एक प्रेम उधर जाएगा, तो मेनी लव अफेयर्स मतलब प्रेम प्रकरण हो सकते हैं। स्लाइड नंबर 3। ये देखिए अगेन हुक आ गया, हुक, तो ये अलग वाली बात है, आखिर में जाकर हुक बन रहा है, ऐसा ऐसा हुक रहा है ना आखिर में। तो ये क्या हो उसका है, फियर फ्रॉम द फ्यूरियस एलिफेंट,
जंगली जानवर जो होते हैं ना, ज्यादातर हाथी, उनके द्वारा उसको कुछ इंजुरी होने की क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संभावना है। तो उसे कभी भी ट्रिप को जाएंगे या जू में जाएंगे तो उस व्यक्ति को बोलना ज्यादा डेयरिंग मत करना, आप ज्यादा प्राणियों के नजदीक मत जाना, कभी कभार वो प्राणी के द्वारा उस व्यक्ति को इंजुरी, दुखापत, अपघात हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, नॉट 100% डायग्नोसिस। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये जो है ना थीन एंड नैरो, ये बहुत थीन लाइन है, हार्ट लाइन, और इसका मतलब होता है कि ये ब्रॉड माइंडेड नहीं है, बहुत ही मराठी में बोलते हैं कावे बाज, लाइक अ फॉक्स, मतलब कभी कभार ये दूसरों को फंसा सकता है, लाइक अ चीटर भी हो सकता है, धूर्त तो हो सकता है कि अपना फायदा कैसा निकाल ले। ये लव अफेयर्स में ऐसा प्रेम जताएगा कि उसका फायदा उसमें हो जाएगा। हाँ, बाकी की बात छोड़ दो, सामने वाला का फायदा है या नहीं है वो दूसरी बात है, क्योंकि ये भावना जो है ना वो ऐसी क्या बोलते हैं ना, थीन स्वरूप की है, इतनी तीव्र भावना नहीं है, सखोल नहीं है। हाँ, तो ऊपर ऊपर वाला सब प्रेम प्रकरण है, ऊपर ऊपर वाला उसकी प्रेम की भावना है, तो उसका मतलब हो गया ये व्यक्ति थोड़ी सी कावेबाज, धूर्त है, धूर्तता इसमें ज्यादा है, तो उसका सेल्फ फायदा, सेल्फ बेनिफिट वो देखेगा। स्लाइड नंबर 5, ये देखिए, ये ब्रॉड हो गई, ब्रॉड एंड स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा ऐसा बेंड रहता है हमेशा, ये हार्ट लाइन ऐसी बेंड वाली होती है, कॉनकेव होती है, वो कॉनकेव नहीं है, स्ट्रेट है। तो इसका मतलब है इनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, मन की अस्थिरता, कभी यहां जाओ कभी वहां जाओ। तो ब्रॉड का मतलब भावना है ना फैल गई है, ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से उसकी इमोशंस नहीं चल रही है। जब इमोशंस बह जाती हैं कभी यहाँ कभी, क्योंकि तो रास्ता ही ऐसा बड़ा वाला है ना, जाने का जो प्रवाह है, प्रेम का प्रवाह, वो ऐसा ब्रॉड हो गया, तो ब्रॉड का मतलब इनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, मन में बहुत ही भावना इधर उधर चलती रहेगी, और इसके द्वारा चंचलता उसके मन में ज्यादा आ सकती है। स्लाइड नंबर 6, ये चेन होम बन गई। तो चेन जब हार्ट लाइन को होती है ऐसी ऐसी चेन करके, तो पर्सन डूइंग द रोमांटिक एक्टिविटीज, उसके जीवन में कुछ ना कुछ रोमांस चल रहा है, अच्छी बात है, वैवाहिक जीवन में चल रहा होगा, तो फिलहाल वैवाहिक जीवन के अलावा भी कुछ प्रेम प्रकरण है क्या, ऐसा उसके बारे में कॉन्फिडेंशियलिटी लेकर, मतलब ये नहीं कि पब्लिकली वो स्पीकिंग, पब्लिकली हाथ देखकर पब्लिकली कुछ बताना, ये बहुत ही ऐसा है व्यक्ति, ऐसा नहीं कहना, सिर्फ आप जानने की कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि इसको रोमांस ज्यादा पसंद है, ऐसा नहीं कि वो 100 और ये मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर्स करेगा, फिर प्रोबेबिलिटी है कि उसका एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ प्रेम प्रकरण हो सकते हैं। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 7, रेलवे लाइक, रेल रहती है ना रूल, एक्सट्रीम लव फॉर द वाइफ, लाइन लाइक अ रेलवे रेल, ऐसी जब लाइन हार्ट लाइन होगी तो उसका मतलब ये अच्छी बात है, और एक्सट्रीम लव फॉर द वाइफ, पति पत्नी का एक दूसरे के ऊपर प्रेम बहुत ही गाढ़ा और अच्छा होने वाला है। आगे चलते हैं, ये क्या हो गया, स्पीड ब्रेकर से ना, देख रहे हैं ना आप रास्ते पर जाते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर ऐसे होते हैं ना, तो जब ये भावना में बीच बीच में रुकावट लाएगा, हम उत्स्फूर्त तरीके से कुछ हमारा प्रेम प्रकट करते हैं और उसमें बाधा आ जाती है, तो उसके कारण उस व्यक्ति को थोड़ा सा दुख हो सकता है, टेंशन हो सकती है, चिंताएं हो सकती है, तो इलनेस एंड वरीज विथ रिलेशन टू द हार्ट, विथ रिलेशन टू द रिलेशंस, संबंध में प्रेम प्रकरण के संबंध के द्वारा उसको हृदय को थोड़ी सी एक भावनिक चोट पहुंचने वाली की संभावना है, क्योंकि दीज आर द स्पीड ब्रेकर्स इन द लव एक्टिविटी। स्लाइड नंबर 9, ये देखिए, ऑन द लेफ्ट हैंड ब्रेक एट द हार्ट लाइन, यहां पर ब्रेक है, और फियर फ्रॉम द वॉटर, ये क्या सचित करती है कि जब ये हार्ट लाइन को ब्रेक है तो उसका मतलब थोड़ा सा फियर फ्रॉम द वॉटर हो सकता है, पानी के द्वारा उसको भय हो सकता है, तो जब भी वो पानी के नजदीक जाएगा, चाहे बीच पर जाए चाहे स्विमिंग के लिए जाए, तो उसका थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 10, ये देखिए, ब्रोकन हार्ट लाइन, यहाँ पर टूट गई है, और स्टार साइन वेयर इट कट्स द ब्रेन लाइन, तो ये भी बहुत डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इधर तो एक तो भावना का जो इमोशंस का फ्लो चल रहा था वो एकाएक टूट गया है और बम्बार्डिंग हो गया है, कहां पर बम्बार्ड हो गया, वो हेडलाइन के ऊपर, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि ब्रेन को बड़ी बीमारी होने के कारण
उसकी भावना, इमोशंस का जो कंट्रोल था वो चल पड़ा, निकल पड़ा। कोई भावना एक तो एकाएक कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, और भावना का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि डैमेज टू द ब्रेन। और आप तो जानते हैं कि ब्रेन के अंदर ही एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होती है जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम के द्वारा ही हमारी मन की भावना को नियंत्रित किया जाता है। तो यह यहाँ पर क्या हो गया है कि तो पहला ब्रेन का आघात हो गया, चाहे वो मेनिनजाइटिस हो, चाहे वो स्ट्रोक बोलते हैं, हेमिप्लेजिया, यहाँ पर थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, हिमरेज, ऐसी कुछ ना कुछ ब्रेन को, मस्तिष्क को आघात हो गया, और उसके कारण उसको मन को कायम स्वरूप विस्मरण हो सकता है, पहचानेगा नहीं वो पति पत्नी को, एक दूसरे को, मतलब जिसको ये प्रॉब्लम आ गया है वो दूसरे को पहचानेगा नहीं, माता पिता को पहचानने में दिक्कत आ जाएगी, बच्चों को पहचानने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये ब्लास्ट टू द ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर वो अटैक हो गया है। ठीक है, ब्लास्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 11, ये देखिए, स्टार साइन एट द ब्रोकन पार्ट, यहाँ ब्रोकन भी है और स्टार भी है। तो ब्रोकन हो गई मतलब जो भावना का फ्लो था हमारे जीवन में उसमें कहीं से कहीं रुकावट आ गई, और रुकावट का कारण यहाँ पर बताया है कि स्टार चिन्ह एक इलनेस सजेस्ट कर सकता है, बहुत बार लाइन के ऊपर हो तो ये इसका मतलब हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है उस व्यक्ति को, कार्डियक कुछ ना कुछ, जैसे कि इश्चिमिक हार्ट डिसीज है, हृदय की जो कॉरोनरी आर्टरीज होती है उसमें ब्लॉकेजेस आ सकता है, हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो उस व्यक्ति ने बार बार अपने ऊपर नियमित व्यायाम, खान पान अच्छी रखना, वजन कंट्रोल में रखना, हाई कैलोरी फूड, डिसलिपिडीमिया कोलेस्टेरॉल से बचना है, मेंटल स्ट्रेस से बचना है उस व्यक्ति को, और क्या करना है कि इस व्यक्ति ने फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी खुद की चेकअप करना है, जैसे कि ईसीजी निकाल सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, या 2D एको कर सकते हैं, जैसी जरूरत पड़े वैसी तरह से। फिर ये प्रोबेबिलिटी आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। स्लाइड नंबर 12, ये देखिए, हृदय रेखा जो है, ब्रांच फ्रॉम द हार्ट लाइन गोज टू द गुरु माउंट। तो ये देखिए कि ये गुरु जो माउंट है, मैंने पहले हमेशा बताता हूं कि नॉलेज का है, आध्यात्मिकता का है, लीडरशिप का है, और एम्बिशन का भी है। तो सपोर्ट टू द लव विथ एम्बिशन, वो उस व्यक्ति में ज्यादातर आगे चलना का, प्रगति करने का मन में एक निर्धार होता है, उसको एम्बिशन कहते हैं कि मैं यस आगे आगे प्रगति करूंगा खुद की, उसको एम्बिशन बोलते हैं, और उसके साथ प्रेम भावना जुड़ जाएगी तो अच्छी बात है, ये अच्छा वाला साइन है। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 13, ये देखिए डबल हार्ट लाइन हो गई। हाँ, तो डबल का मतलब अच्छा नहीं है ना, आप पार्टनर को एक के बजाय दो पार्टनर को इच्छा करेंगे तो अच्छा है क्या? नहीं, इच्छा अच्छा है। तो ये प्रेम भावना, हाँ, भावना का दो भागों में विभाजित होना ये अच्छी बात नहीं है। तो अनसक्सेसफुल इन द लव, प्रेम प्रकरण में ये व्यक्ति अयशस्वी हो सकती है, फेल इन द लव अफेयर्स। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 14, ये देखिए, अभी हार्ट लाइन का हिसाब किताब तुरतास हम बंद कर देते हैं और आगे चलते हैं, जिसको हम रवि लाइन बोलते हैं। रवि का मतलब सूर्य, ये जो है ना, ये इंडेक्स फिंगर बोला जाता है, ये मिडिल फिंगर शनि का है, ये गुरु का है, और ये रिंग फिंगर होता है। देखिए यहाँ पर ये रिंग फिंगर है ना, तो ये वाला है ना मेरा, ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, तो उसको रवि बोलते हैं, और इसके नीचे जो है ना वो रवि माउंट है, पर्वत जरा उभड़ा हुआ पार्ट होता है। तो ये रवि की वाली जो रेखा है, रवि की तरफ जाने वाली जो रेखा है, अनेक तरह से जा सकती है। पहला दिखाया है रिस्ट लाइंस, पूरे के पूरे हमारा यहाँ पर जो होता है ना, उधर से चल पड़ी ऊपर तक, ऐसी सीधी की सीधी, ये बहुत कम होता है। फिर ये एक तरह का उसका ट्रैवलिंग है। दूसरा होता है लाइफ लाइन से जुड़ी हुई, हाँ, ये 2 नंबर का देखिए, यहाँ से चल पड़ी है रवि लाइन। तीसरा होता है फॉर्चून लाइन, ये नंबर देख रहे हैं ना, ये हमारी फेट लाइन है या फॉर्चून लाइन है, उधर से निकल पड़ी रवि की तरफ, रवि की तरफ जाना है हमें, सूर्य की तरफ जाना है, नेम फेम कीर्ति मिलने वाली है। रवि का मतलब नेम, नावलौकिक मिलेगा, पैसा मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सब चीजें मिल जाएगा। ठीक है, और चौथा मून माउंट से ये रवि लाइन चालू हो गई है। आगे चलकर इसका डिटेल में हम बात कर सकते हैं। आगे स्लाइड नंबर 15, ये देखिए, रवि लाइन वन ब्रांच टू द शनि माउंट एंड अनदर टू द बुध माउंट। तो ये अच्छी बात है क्योंकि रवि के द्वारा तो नेम फेम और मनी मिलने ही वाला है, तो एक तरफ है उसकी बुद्धि, व्यावहारिक कुशलता उसमें है, व्यावहारिक कुशलता, बिजनेस कैसा करना ये जानती है, मेरी कला जो है उसका पूरा वैल्यूएशन जिसको बोलते हैं ना वो तो करना चाहिए। शाहरुख खान अपने हिसाब से बता देता है कि मेरा मानधन इतना होना चाहिए, सही
सचिन तेंदुलकर अपना खुद का मानदंड बता देते, ये सब रवि अच्छे होने वाले लोग हैं, सूर्य की तरह चमकते हुए तारे सितारे हैं ये, क्रीड़ा क्षेत्र में हो या एक्टिंग क्षेत्र में हो, कौन सी भी पेंटिंग के हो, गायक हो, ये सब लोग हैं ना, गायक, कवि, ऑथर्स, साहित्यिक, ये सब वाले लोग को बिजनेस भी अच्छा करवाते हैं, बहुत ज्यादा लोग, बहुत कम ऐसे होते कि उनको बिजनेस नहीं आता। फिर ये व्यक्ति जिसका एक जा रहा है इसके ऊपर, और दूसरा है फिलोसॉफी, मतलब वो सोचेगा पूरी तरह से कि इसका ये लॉजिकल जिसको रीजनिंग बोलते हैं ना, ये मैं इस कारण के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसी के कारण ये मेरी कला मुझे अच्छी लगती है, तो उसके मन में एक क्लियर कट जो प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए शनि के द्वारा, वो भी है और बिजनेस का भी एक उसका अंग है, तो ये दोनों मिलाकर इसको फेम और मनी, नावलौकिक और पैसा अच्छी तरह से मिलने वाला है। स्लाइड नंबर 16, लास्ट वाली स्लाइड, वन ब्रांच गोइंग टू द मून अमाउंट, तो पावर ऑफ इमेजिनेशन, मैंने पहले ही कह दिया था ये रवि अच्छा है और रवि से जुड़ी हुई लाइन भी अच्छी होगी। हाँ, यहां से हार्ट लाइन से जाना ये गलत है, फिर रवि तो एनर्जी है, रवि तो सूर्य है, तो सूर्य का एक ब्रांच जब जा रही है चंद्र को मिलने के लिए, तो सूर्य चंद्र का मिलाप तो अच्छा ही होना चाहिए, सूर्य भी चाहिए चंद्र भी चाहिए, है ना, तो उसके पास कला के लिए जो इमेजिनेशन होनी चाहिए थी वो इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति, और बहुत सारी आइडियाज भी उसके पास है, तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतने काफी है, मिलते हैं अगले हमारी केमिस्ट्री क्लास में, ये करीबन महीना भर चल रहा है, तो पूरे पहले वाले वीडियो देख लीजिए, अगले वाले भी वीडियो देखते रहिए, और ऐसे ही प्रेम जुटने के साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे, ऐसे में विनंती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।